बची हुई रोटियों में से आज हम बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इस नाश्ते के लिए हमें बहुत ही कम सामान चाहिए जो घर में इजीली अवेलेबल रहता है। 10 मिनट में आप ये नाश्ता बनाकर सुबह या शाम चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या तो फिर लाइट डिनर के तौर पर आप इसे चटनी या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दी गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चॉपर में 2 प्याज लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे। आप चाहो तो इसे बारीक काट भी सकते हो, पर इस तरह से चॉपर में हमारा काम बहुत ही चटपट हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन को छान लिया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देंगे, नमक, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि हमने हरी मिर्च तो डाली है, हरा धनिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर सा बना लेंगे। उसी में हम बारीक चॉप की हुई प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहो तो और सब्जी भी डाल सकते हो, पर आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बना रहे हैं ताकि आप इसे कभी भी बना सको। बैटर बनाते टाइम पर हम ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि नमक भी पानी छोड़ेगा और साथ में प्याज भी पानी छोड़ देगी। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस बैटर को आप बना के भी रख सकती हो। इसी तरह का हमें बैटर चाहिए। तवे को गरम करने के लिए रख देंगे, उसी पर ऑयल छिड़क देंगे। अब रोटी को हाथ में ले लेंगे और जो हमने घोल बैटर बनाया है उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। रोटी को हम तवे पर पलटा कर रख देंगे। गैस की फ्लेम हमने धीमी कर दी है और उसी पर ये बैटर फिर से लगा देंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम कर रोटी को अच्छी तरह दोनों साइड कुक करनी है। ऊपर की साइड भी थोड़ा ऑयल डाल देंगे ताकि चिपके ना और नाश्ता का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो ये टेस्टी नाश्ता अब हमने बना लिया है, इसे हम एक प्लेट में ले लेंगे। अब हम इस हेल्दी और इंस्टेंट नाश्ते को सर्व करेंगे। इसे कट कर लेंगे। क्या इस नाश्ते को देखकर आपको लगता है कि आपने इसे रोटी में से बनाया है? इसे हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे।